नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब सियासत भी तेज हो गई है। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल होकर विपक्ष को बड़ा झटका दिए हैं। वहीं अब ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर को सपा के आजमगढ़ में रैली करने जा रहे हैं। रैली में पीएम को न्योता भी दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी में ओम प्रकाश के शामिल होने पर उन्हीं के समाज उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। पिछड़े दलित की आवाज उठाने वाले ओम प्रकाश राजभर को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बता दें कि सपा के गढ़ में अब ओम प्रकाश राजभर रैली करने जा रहे हैं, जहां पीएम मोदी को भी न्योता दिया गया है, जो 27 अक्टूबर को राजभर आजमगढ़ में ये रैली करेंगे। वहीं बड़ी बात आपको बता दें कि जहां राजभर समाज को अपने पाले में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुबसपा से गठबंधन किया है, तो वहीं बड़ी बात सामने आ रही है कि राजभर समाज ही नाराज नजर आ रहा है। ओपी राजभर से श्रद्धांजलि का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें ओम प्रकाश राजभर को श्रद्धांजलि देने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो जो है वो वाराणसी का बताया जा रहा है। ब्रजेश राजभर के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। बीजेपी में ओम प्रकाश का शामिल होने पर उन्हीं के समाज उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। पिछड़े दलित की आवाज उठाने वाले ओम प्रकाश राजभर को श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें कि विपक्ष में रहकर 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले की आवाज ओम प्रकाश राजभर ने उठाई थी। ओम प्रकाश राजभर अब विपक्ष की आवाज नहीं बनेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के पिछड़ा दलित समाज में ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में जाने को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह से पिछड़ा दलित समाज में ओम प्रकाश राजभर के प्रति नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाती है। बता दें कि चुनाव को देखते हुए सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं लगातार जब से एनडीए में ओपी राजभर शामिल हुए हैं, तब से सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। वहीं अब ओपी राजभर भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सपा के गढ़ आजमगढ़ में ओपी राजभर रैली करने जा रहे हैं। 27 अक्टूबर को ये रैली होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं जब एक समय था जहां लगातार ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए पिछड़ों और दलितों के शोषण का आरोप लगाते थे, उनके कामों पर उंगली उठाते थे, वहीं अब गठबंधन की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं अब सपा के गढ़ में सेंधमारी की पूरी तैयारी कर ली गई है। वही देखने को मिल रहा है कि विपक्ष से प्यार और बीजेपी से प्यार और विपक्ष से तकरार क्या कुछ रंग लाती है, यही देखने वाली बात होगी। बता दें कि 24 के चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सभी तैयारियों में जुटी हुई हैं, सभी जनता के बीच जा रही हैं, अपने मुद्दे को रख रहे हैं और अपनी जनता से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। वहीं लगातार ओपी राजभर और एनडीए के गठबंधन को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। राजभर के एनडीए में जाने से राजभर समाज नाराज नजर आ रहा है और यही आज चर्चा का विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो बता दें, दयाराम भार्गव सुबसपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वही कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। वीरेंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो कपिल जी, देखिए चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। देखिए, आपके गढ़ में सेंधमारी की पूरी तैयारी की जा रही है, एनडीए में शामिल हो गए हैं सुबसपा अध्यक्ष। हम लोगों ने इनको इसका सम्मान जो है लिख दिया कि आपको जहां सम्मान मिले वहां जाइए।
तकलीफ हो रही है उसको सही कराइए। तो जहां सम्मान मिले वहां जाइए, तो हम लोगों को कौन सा झटका। ये तो विदाई पहले ही कह दी। और जो आजमगढ़ का चुनाव था, उस चुनाव में जो इन्होंने मामा शल्य की भूमिका अदा की थी, तो हम तो आस्तीन में सांप नहीं पाल सकते। टेस्टेड आस्तीन मिली है, डसिए जाके। और लोग कह ही रहे हैं लोग कर लो बात, आज भर कल भर ठिकाना नहीं है पल भर, ऐसे हैं हमारे ओम प्रकाश राजभर। चल माल भर, चल पल भर, जो कुछ मिल सके वह सब भर, बस अपना घर भर 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 भर। और आप खुद देख रही कि जो बनारस के पास सारनाथ है, जहां से राजा सुहेल देव जी का बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है, वहां से कल क्या हुआ, राजभर समाज ही इनसे नाराज। और उन्होंने तो बकायदा क्या किया हो क्या नहीं किया, मैं नहीं कहूंगा कि उनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये समाज खुद सोच रहा है। राजभर ने तो कहा है सर कि जो 2022 में चुनाव के परिणाम आए थे, जो मजबूत विपक्ष की भूमिका आपको मिली थी, वो हमारे गठबंधन से ही परिणाम आए थे। सब मयूरी बहुत समान प्रत्यावान व्यक्तियों वाला, मैं बहुत साधारण सांख्यिकी आपके सामने रखी। जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थे, तो भारतीय जनता पार्टी की 325 कितनी जीती गई थी, 325। और उसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी महज 4 सीट पर जीत कराई थी। लेकिन जब ये समाजवादी पार्टी के साथ आए, तो कितना सम्मान पाए, हमने इनको 16 सीटें दी, जिसमें से ये 6 जीते। और 16 में से 14 सीटों को का इन्होंने सौदा किया, जो टाइम्स नाउ नव भारत पर इसका स्टिंग ओम प्रकाश राज पर सबका पैसे पे बेच दिया। एक अर्कवंशी को नहीं, एक भार्गव को नहीं, एक बहेलिया को नहीं। और आपने देख लिया कि मुख्तार अंसारी साहब के पुत्र को इन्होंने टिकट दिया, और अभी तक इस्तीफा नहीं ले रहे। हम तो कह रहे कि इस्तीफा मांगो, इस्तीफा उनको कराओ। भारतीय जनता पार्टी बतावे कि कैसे उनके साथ ले ली, जिनके साथ इतना इनको वो कर रहे थे। ठीक है, देखिए दयाराम भार्गव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कपीश जी जवाब ले लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल लीजिए, और फिर हमें भी मौका दीजिए। जी बिल्कुल मयूरी जी, मैं मेरे बड़े भाई हैं कपीश भाई, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, सही बताऊँ आप तो, मुझे इनके वक्तव्य पे हंसी आ रही है। इसलिए हंसी आ रही है, आप इतने प्रखर वक्ता हैं, और इस वक्ता में आप आज अपनी वेदना क्यों छुपा ले रहे हो भाई, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। दूसरी बात सुनिए, इन्होंने कहा मामा शल्य की भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, मामा शल्य की भूमिका ना निभाते तो 47 से 125 नहीं आते। आप पश्चिम लड़े, मध्यांचल लड़े, बुंदेलखंड लड़े, बुंदेलखंड लड़े, आप बताइए कितनी सीटें लेके आए समाजवादी पार्टी के। दयाराम जी सुन लीजिए, नाना करते आप एनडीए में शामिल हो गए। एक वक्त था जब पानी पी पी कर आप कोसते थे, तमाम आरोप लगाते थे, काम को लेकर पिछड़े दलितों के शोषण का आरोप लगाते थे। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी नीति आपको पसंद आ गई? देखिए मायूरी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आप लाजवाब क्वेश्चन करते, इसका सवाल है। देखिए आज उत्तर प्रदेश और देश की बात मत करिए, उत्तर प्रदेश में आज पिछड़ों की जो दुर्दशा है वो किसकी देन है? ये हमसे बात कह रहे हैं 16 सीटों की, 16 सीटों की 12 सीट समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तय किया कि समाजवादी पार्टी का नेता चुनाव लड़ेगा राजभर जी आपके सिंबल पे, और वही गठबंधन टूट जाता मयूरी जी। लेकिन नेता जी ने ये कहा था कि अखिलेश यादव जी एको सीट नहीं देंगे, हम फिर भी साथ चुनाव लड़ेंगे, हमने वादा निभाया। ये बात कर रहे हैं मुख्तार अब्बास के बेटे अंसारी की। अरे नेता तो सुन लीजिए, देखिए आपको मौका दूंगी, सुन लीजिए एक एक कर बात करें।
सुनिए सुनिए, मैं सुन तो लीजिए। देखिए आज समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों दर्द है, वो इसलिए दर्द है इनका जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ये बार बार हमारे गठबंधन की बात करते हैं, ये हमको बता दे जितने गठबंधन आज तक इन्होंने किए, चुनाव के बाद इन्होंने क्यों तोड़ा? सुभाषपा के ऊपर करने से पहले लांछन करने से पहले, अरे सूप हसे चलनियो हसे जिसके अनगिनत छे। आप सुभाषपा की बात करते हैं, अरे मन में राम बगल में छुरी, यही आस जो है समाजवादी की है, है? आप बात मन में कुछ रखते हैं, छुरी कहीं और लगाने के काम करते हैं। और ये कह रहे हैं कि अर्कवंशी को, अरे हमने अर्कवंशी लड़ाया, सुनील अर्कवंशी लड़ाया, बताइए समाजवादी पार्टी अर्कवंशी कहाँ लड़ाया? हमने कश्यप लड़ाया, बताइए हमने कहाँ लड़ाया? ये बताइए, आपको बढ़ाने का मौका दिया था, आपने टिकट तो बेच दिया, किसिंग किया था। जो भारतीय समाज पार्टी थे, चार टिकट में आपने चार सीट हमने लड़ाने तमाम बड़े नाम उसमें शामिल थे। यही तो बताना चाह रहे मैं, महेंद्र राजपाल उसमें शामिल थे। सुन तो लीजिए, अरे मैं ये समाजवादी पार्टी की एजेंट है, ये वो लोग हैं जो थाने चौकी में दलाली करते हैं, समाज के लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी चर्चा हम नहीं कर सकते। हम आपके वो पुराने साथी थे, आपको स्वार्थी होने का आरोप लगाया था उन्होंने। देखिए जब कुछ नहीं है तो कुछ तो कहेंगे, कुछ नहीं है कुछ तो कहेंगे, उसकी जवाब क्या है? आज उत्तर प्रदेश में एक अत्यंत पिछड़े समाज का नेता अगर कोई उत्तर प्रदेश में है, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर है, पिछड़ों के नेता केवल स्वयंभू बन करके श्री अखिलेश यादव की रहना चाहते हैं, किसी को अपने समकक्ष उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात का नेता नहीं बनने देना चाहते हैं। इसीलिए ये सारी प्री प्लानिंग है, ये उन लोगों को गुमराह करते हैं जो इनके झांसे में आते हैं। फिर मेरा वही बीजेपी की आपको ऐसी कौन सी नीति पसंद आ गई कि आप एनडीए में शामिल हो गए? हमने कहा ना, गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान वंचित समाज जिनका थाने चौकी में जो समस्याएं हैं, उनकी समस्या कैसे दूर हो, उनको एक छत्र छाया चाहिए, छतरी चाहिए। जब हम लोग संगठन के तौर पे, अच्छा जब आप आवाज उठाते थे उनके काम को लेकर, सुनिए एक मिनट, जब आप आवाज एक मिनट सर, जब आप आवाज उठाते थे उनके काम को लेकर, पिछड़े दलितों के शोषण का आरोप लगाते थे, तब काम नहीं हुआ था? अब आपको काम दिखाई दे रहा है? मैंने आपको बताया ना, सुन तो लीजिए मायूरी, इस देश में एक नेता बता दीजिए, बताइए समाजवादी के पार्टी के नेता कितनी बेगबाते हैं, क्या वो समाज में सुनने लायक है? गुंडाई करते थे समाजवादी पार्टी के, इनसे आपको प्रश्न करने में शर्म आ रही है? मैं बोली जिस क्या कहा था, जिस सबसे बड़ा हमने तो नहीं कहा उत्तर प्रदेश की गंदा कह रहा है। ठीक है दयाराम जी, आपके पास आऊंगी, कपिल जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है। ये कर्मों का फल है जो इनको भुगतना पड़ेगा। ये चार बार सरकार समाजवादी पार्टी केवल यादव रखती थी, आप हर नहीं मिलेगा, राजभर नहीं मिलेगा, चौहान नहीं मिलेगा, प्रजापति मिलेगा, ठीक है, पहलिया नहीं मिलेगा, बयान नहीं मिलेगा। आप लोग एक एक कर बात रखिए ताकि बात समझ में आए। आज उत्तर प्रदेश में इंजीनियरों का भला हुआ होता, ये तो भला देना नहीं चाहते। दयाराम जी ठीक है, अब इनको शांत करें, मैं इनको कुछ बता दूं। दयाराम भाई आप अपना चेहरा खुद देख लो, आपके कहने के ही साथ नहीं चल रहा है, क्या कीजिएगा? आत्मा आपकी भी दुखी हुई है, पीछे देखिए तीन ही चेहरे दिखाई दे रहे हैं आपको, कहा और कोई है? और आप बताइए कि मैं कहा हूं, अरे सुनिए भाई मैं कहा हूं, एक एक कर आप लोग बात रखिए, फिर मैं आपसे वही कहूंगी, आराम से आप एक एक कर बात रखिए। अरे श्रीवास्तव भाई बताइए दयाराम भार्गव कौन है? मैं एक राजभर हूँ, सुनिए भाई पहले सुनो, सुनिए मैं एक राजभर हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचा
आया है। ठीक है, देखिए आप लोग पर्सनल पे मत जाइए, मुद्दे पर रहिए। ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगी मैं, वीरेंद्र जी आप करूंगी मैं। ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगी। देखिए वीरेंद्र जी, जिस समाज को, जिस समुदाय को साधने के लिए आपने गठबंधन किया सुभाषपा से, वही राजभर समाज ओपी राजभर से नाराज नजर आ रहे हैं। कैसे इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे? देखिए मायूरी जी, राजभर समाज किससे है? राजभर समाज समाजवादी। ठीक है, दयाराम जी आऊंगी आपके पास। दयाराम जी और कपिल जी जो आपस में बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया इंडिया जो बना है वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे, 26 दलों का मेरा एक गठबंधन है। अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक बड़ा गठबंधन बनाया, लेकिन इनका गठबंधन हकीकत में जमीनी हकीकत इनका कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में देना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी अपने नेता मानने की तैयार नहीं है। ये माननीय राजभर जी ने एसी के कमरे में बैठ कर जमीनी हकीकत को नहीं नापा जा सकता। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। वही मेरा सवाल था कि जिस समाज को साधने के लिए, जिस समुदाय को साधने के लिए आपने गठबंधन किया है, कहीं ना कहीं वो समाज नाराज नजर आ रहा है ओपी राजभर से। कैसे इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे? नहीं नहीं मैम, इससे नहीं लगता आपको नुकसान होगा? निश्चित 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 तौर पर इतना समाजवादी पार्टी को विधानसभा में जो सीटें मिली हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं। दयाराम जी सुन लीजिए, देखिए आपको बोलने का मौका मिला, एक एक कर आप लोग बात रखें। ठीक है, तो राजभर राजभर समाज पूरा ओम प्रकाश राजभर के साथ है, और राजभर समाज राजभर के साथ होने के साथ राजभर जी पूरे मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा प्रकट करते हुए एनडीए के साथ हैं, और वे हमारे एक महत्वपूर्ण अंग हैं, और वो लोकसभा के चुनाव में अपने पूरा अम्बेडकर नगर से लेके बलिया तक राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी। आपके महत्वपूर्ण अंग हो गए। एक वक्त था जब पानी पी पी कर आपको कोसते थे, तमाम आरोप लगाते थे। ये उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो उनका अपना करेक्टर है, और समाज देखता है, समाज एक आईना है, कौन कैसा है क्या है, ये गठबंधन है। प्रधानमंत्री नंबर वन के झूठे हैं कि नहीं, पहले बताइए। और राजनीति में ना कोई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अब भीख मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, समाजवादी ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे कि नहीं भीख मांगेंगे। और पूछ लीजिए मयूरी पिताजी से कि प्रधानमंत्री नंबर वन के झूठे हैं कि नहीं है, निश्चित तौर पर सफल होगी, और वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप भीख मांगने की ट्रेनिंग कहां लेंगे, जहूराबाद में लेंगे या आजमगढ़ की रैली में? राजभर जी का अपना जनाधार न होता तो अखिलेश यादव की मिश्रा जी सुन नहीं रहे, और इनसे सीटों का समझौता कर आज ये छह सीटें जीते हैं। मैं पूछूंगा, आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ मिश्रा जी, आदरणीय मिश्रा जी, एक बात का जवाब दे दीजिए कि प्रधानमंत्री नंबर वन के झूठे हैं कि नहीं है, और क्या मुख्यमंत्री जी भीख मांगने ट्रेनिंग सेंटर कहाँ जाएंगे, जहूराबाद जाएंगे या आजमगढ़ जाएंगे, क्यों सन्यासी मंदिर में? हम तो वो भीख का कटोरा थमाने वाले थे, देखता है। बता रहे थे कि आप पिछड़ों के बहुत बड़े धोखेबाज है, आप 2022 के इलेक्शन तक आपके साथ यही था। आप प्रधानमंत्री जी झूठे हैं ये आपने स्वीकार कर लिया। ठीक है वीरेंद्र जी, अभी आपने कहा कि ये भी स्वीकार कर लिया, ओपी राजभर समाज के एक बड़ा चेहरा है ओपी राजभर, ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? हम इस आधार पे मैम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी गठबंधन करते हैं, मिश्रा जी को आवाज नहीं मिल रही है, राजभर अम्बेडकर नगर से लेके बलिया गाजीपुर जौनपुर आजमगढ़ में ठीक ठाक समाज है, और जब ये समाज जब उपचुनाव हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत थी, तो ओम प्रकाश जी ने अपना बयान दिया था कि एसी के कमरों में बैठकर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, और वो सिद्ध साबित हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां से दिनेश लाल निरहुआ जी जीते। इससे ये सिद्ध होता है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के साथ है,
और जब वो प्रकाश राजभर के साथ है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी से अरे हजारों लोग तो राजभर इन्हीं के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे क्या क्या खेल हुआ देखे आप सब लोग छोड़ के चले गए कर रहे थे राजभर ही में राजभर हो गए और फिर मौका पहले छोड़ देते हैं। ये तो अखिलेश यादव जी की अपनी निष्ठा है अपने गठबंधन धर्म है उनका गठबंधन धर्म मिश्रा जी आपने भक्त का चश्मा लगा लिया बताए नहीं कि प्रधानमंत्री नंबर वन पे झुके हैं कि नहीं। हेलो मिश्रा जी आपने कौन सा भक्त का चश्मा लगाया कि हमारा प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी आपने मान लिया ना कि नंबर वन के झुकते हैं ये आप मानिए आपको मानना और योगी आदित्यनाथ जी अब किस ट्रेनिंग सेंटर में भीख मांगने जाएंगे ये बताइए कौन सही है ये तो ये हम तो हर महीने खड़ा होकर के आपका वीडियो दिखाएंगे छह महीने पहले का और आपको जब छोड़ के निकले थे तब भी दिखाएंगे और मैं और ये भी बताइएगा कि राजभर समाज में किसको ये मंत्री बनाने जा रहे हैं अपने दोनों लड़कों को छोड़ के और अपने आप को छोड़ के किसको मंत्री बनाएंगे ये बताइए। ठीक है दयाराम भार्गव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं आपके पास आऊंगी दयाराम जी प्रधानमंत्री नंबर वन के जुटे हैं कि नहीं बताइए बताइए दयाराम ठीक है कपीश जी आऊंगी आपके पास सन्यासी से आप भीख मंगाएंगे कहां पर ये बताइए। ठीक है देखिए मुद्दे पे रहिए ठीक है दयाराम जी अपनी बात अरे इन्हीं का कहा हुआ है मयूरी इन्हीं का कहा हुआ वीडियो के माध्यम से हमारे बड़े भाई हैं कपीश श्रीवास्तव मेरे बड़े भाई हैं मैं तो आज इनकी बातों पे बड़ा तरस खा रहा हूं कि इनको हो क्या गया है आज इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि राजभर के साथ कैसे डिबेट ठीक है कपीर जी सुन लीजिए देखिए सुन लीजिए ठीक है देखिए आप सही कहोगे ऐसी बात रखें समझ में आए चर्चा है ठीक है आराम आराम से लोग एक एक कर बात रखें कपीर जी सुन लीजिए आपको भी मौका दीजिए जौरा भाग में भीख मांगने वाला सेक्टर खोल क्या कहाँ खोल ठीक है दयाराम जी कपीश भाई कुछ बोलना तो बोलो मुझे एक मिनट का समय दो कपीश भाई मुझे एक मिनट का तो समय दो भाई ठीक है बात रखें दयाराम जी ठीक मयूरी जी बताओ देखिए हमारे कपीश भाई ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार में ये बताए कितने यादव को आपने मंत्री बनाया था कितने राजभर को बनाया था कितने खिलाड़ को बनाया था कितना पहलिया को कितना आरक्ष को कितना राष्ट्रपति को कितना बंधारा को अब सुनिए वाली बात और सुनो ठीक है कबीर जी आऊंगी आपके पास आऊंगी सुन लीजिए पहले सुन लीजिए आज हमारे कपीश भाई बड़का भैया बड़े उखड़े उखड़े नजर आ रहे उसका कारण है जब देखिए उसका कारण है कपीश भाई आज उखड़े उखड़े आप नजर आ रहे हैं वो पीडीए आपसे बढ़ने का है पीडीए से करूँ बताओ दयाराम जी आप ही जवाब दे दीजिए आपका समाज ही आपसे नाराज नजर आ रहा है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है देखिए ये जिसने देखो ये वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं समाजवादी पार्टी के इशारे पे जो है काम करते हैं ये वो लोग हैं। दूसरी बात कहूंगा आज जो उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़ों और दलितों माइनॉरिटी की कोई आवाज उठा रहा है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग समझ नहीं पाएंगे चार चार बार सत्ता में थे ये उनको हक अधिकार नहीं दिए अगर आज हक अधिकार दिए होते तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को मुखर होकर चैनलों पे डिबेटों में सभाओं में और सदन में सड़क में ये बोलने की जहमत नहीं उठानी पड़ती कि मेरा राजभर समाज कहीं चौकी थाने में नहीं है मेरा अर्कवंशी चौकी थाने में नहीं है मेरा बहलिया नहीं है मेरा खंगार नहीं है मेरा पार प्रजापति नहीं है श्रद्धांजलि दी जा रही है वो बताया जा रहा है सपा का एजेंट है ठीक है दयाराम जी ठीक है इससे पहले तक वो भाजपा के एजेंट थे जब ये हमारे साथ अरे भाई सत्यवादी हरीश चंद्र है ना सत्यवादी हरीश चंद्र लल्लन टॉप का वीडियो प्ले कर रहा हूँ जिसमें कसम खा रहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि भगवान भी उतर जाएंगे पृथ्वी पर तो हम भारतीय जैसा झूठा पार्टी नंबर वन का पीएम झूठा है
और सन्यासी को तो हमें भीख मंगाना है, उनकी औकात दिखा देंगे 2022। जिसको औकात दिखा रहे थे उसकी उसके ठीक औकात दिखाए। आखिर मोदी जी और योगी जी राजभर साहब के चरण पादुका पे लोटन पोटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा झूठा, इन्होंने स्वीकार किया भाजपा ने, कल सन्यासी मंदिर में भीख मंगवाएंगे, वो भी भाजपा ने स्वीकार कर लिया। ट्रेनिंग सेंटर भी बता दिया कि मिश्रा जी जहूराबाद में खुल गया है, योगी जी को भेज दीजिए और सारा वीडियो आपको भेज देंगे। इनके ऊपर विश्वास कौन करेगा भाई? मैं ये कह रहा हूं कि इनके ऊपर विश्वास कौन करेगा? हमारे भार्गव भाई स्वयं नहीं कर पा रहे अपने ऊपर विश्वास। भाई हम कह रहे 16 टिकट आपको दिए थे, कितना आपने अर्कवंशियों का कल्याण कर दिया, कितना बहेलियों को टिकट दे दिया मुझे बताइए। और 16 टिकट में 14 टिकट बेचने का जो स्टिंग हुआ टाइम्स नौ नौ भारत का, उसमें तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपए पे टिकट बेच रहे, उसका आप जवाब नहीं देते। आप कहते हैं कि हम हितैषी हैं, हम कहते हैं मान लीजिए हम हितैषी नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता है, वीडियो ले लीजिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता वीडियो को देखिए, चाल चलित चेहरा समाजवादी पार्टी का नजर आएगा। ये काशीनाथ यादव जी है, ये काशीनाथ जी है, देखिए मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने आईना दिखाया, लेकिन ये लोग जब माने तब ना, देखिए इसको, देखिए काशीनाथ यादव जी है समाजवादी पार्टी के मुखिया के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, वीडियो विजुअल है और इसके ऊपर चर्चा नहीं करना है। अरे किस ठीक है, अब सुन लीजिए दयाराम जी, अब सुन लीजिए, आप कुछ दिए नहीं, मैं 3 ट्रक ईवीएम लूटते हुए पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, हाँ या ना मैं जवाब दे दू। अरे 3 ट्रक ईवीएम पकड़ा था, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है महाराज, इसमें ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ। ये राजभर साहब का ट्वीट पे मानेगा कौन? इनके पिताजी ये कह रहे हैं कि भगवान भी उतर आएंगे तो नहीं आएंगे, चल सन्यासी मंदिर में, नंबर वन का झूठा प्रधानमंत्री है। ठीक है, देखिए वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी, राजभर समाज अब सुभाषपा प्रमुख की बुराई कर रहा है, इससे नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा? सम्मानित चैनल से आप बात कर रहे हैं, नुकसान होगा फायदा होगा, राजनीति में नुकसान और फायदे लगे रहते हैं। मेरा आपसे केवल इतना कहना है, कपीश जी और भार्गव जी दोनों लोग इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे कि मेरे तक आवाज आई, आपकी धन्यवाद, लेकिन मैं इसको कहना चाहता हूँ, कपीश जी कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि माननीय योगी जी को राजभर जी भीख मंगवाएंगे, मैं बहुत साफ सी बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति में जो जितना ज्यादा बोलेगा कमेंट करेगा, समाज है ये, समाज देखता है। आप कह रहे हैं कि राजभर के साथ, राजभर के समाज का आदमी नहीं है, यही तो काम है मैम आपने, मेरा कहना है कि आप इस बात से सहमत हैं समाज ही, मैंने कहा निंदा करें श्रद्धांजलि देते हुए वीडियो वायरल हुई है, मैंने उसकी बात की है सर आपसे, आप भी अधिवक्ता हैं मैं भी अधिवक्ता हूं, मेरी किसी में कहना ये है कि राजभर समाज निंदा कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी से देखिए गठबंधन टूटते हैं, नाराजगी यही है कि राजभर एनडीए में शामिल हो गए इसलिए उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारी कौन सी नाराजगी है? वो तो समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं जो कि माहौल एक बनाते हैं, मैं राजभर समाज की बात कर रही हूँ कपीश जी, मैं राजभर समाज की बात कर रही हूँ, ओपी राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं इसलिए नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है, मैंने उसकी बात की है।
नहीं नहीं ओपी 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 राजभर के समाज में मैसेज जाने के लिए इनके समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं जो ये मैसेज चला रहे हैं, ये करा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी के राज जाएंगे, समाजवादी पार्टी के राज जाएंगे। कोई राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं उनसे कोई समाज बहुत लोग आते हैं, बहुत ही अटैक होता है, बहुत से लोग दूर आते हैं, एक बार छड़ी पे बैठ करके चौरावान होता है। अरे जमूरे बन जाएंगे अगर समाजवादी पार्टी के चंद चमचे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले दल के ऊपर आरोप लगाएंगे तो रटे हुए भैया समाजवादी ऐसे मेरिट की डिबेट नहीं होती है। समाजवादी पार्टी आप मान लिए ना कि प्रधानमंत्री नंबर 1 के नीचे देखिए कपीश जी, आप पर यही आरोप लग रहे हैं कि जो मैसेज है वो आपके द्वारा चलाया जा रहा है वो सपा के एजेंट हैं, वो कपीश के एजेंट हैं, कपीश समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। कपीश जी से कहां से आया, कौन है, अगर वो है तो समाज हमारा एजेंट है, अगर ये मान ले तो मान ले हम क्या कर सकते हैं, ये अपने ही आदमी को गाली दे रहे हैं जी। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है, दयाराम जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से 5 सेकंड अपना जवाब दे दीजिए। देखिए मयूरी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं एक स्वयं राजभर हूँ, मैं अयोध्या वासी हूँ, मुझसे ज्यादा पूर्वांचल और राजभर के बारे में कोई जान नहीं सकता। मैंने गाँव गाँव में जाके देखा, आज भी राजभरों की जो छप्पर डाल करके गाँव में रह रहे, टेंट डाल करके, अभी बारिश में हमारा राजभर समाज टेंट डाल के रह रहा था, और ये समाजवादी पार्टी के लोग राजभरों का इतना विकास किए हैं कि आज वो छप्पर और टेंट पे रह गया। एक भी बेटी बेटा को इन्होंने डीएम और सीएम नहीं बनने दिया, थाने में चौकी में चौकी बनने दिया, ना ब्लॉकों में बनने दिया, ये समाजवादी पार्टी। तो फिर आप गए क्यों थे सर उनके साथ, आप भी तो गठबंधन में थे, आप भी तो गठबंधन में थे, आपने भी तो चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी की पूरी प्लानिंग तलाशी ठीक है, ठीक है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें 24 के चुनाव को देखते हुए अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है, जहां लगातार अब जब से ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, लगातार सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ अब ओपी राजभर आजमगढ़ में रैली करने जा रहे हैं जो सपा का गढ़ माना जाता है, वहीं अभी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ओपी राजभर बीजेपी में शामिल हुए हैं कितना रंग लाती है, किसको कितना नफा नुकसान होता है। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार।